असलम वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। आज की वीडियो मेरी पीच की क्रीम ब्लीच पर है। गोल्डन गर्ल की ये एक ब्लीच है और इसको जब मैंने अपना पार्लर स्टार्ट किया था उस वक्त मैंने इसको बाय किया था, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट में मैंने डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करना चाह रही थी, उनके रिजल्ट चेक करना चाह रही थी, तो फिर मैंने इसको भी बाय किया था। इस ब्लीच ने मुझे कैसा रिजल्ट दिया, इसके अलावा ये सेंसिटिव स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और इसके अलावा इसकी प्राइस क्या है और इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, आज हम इस पर बात करते हैं। तो अपनी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ब्लीच है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसको मैंने अपने सैलून के स्टार्ट में लिया था, तो इसको मैंने यूज़ किया था अपने हाथों पर, और इसके अलावा फेस पर मैं ब्लीच नहीं करती, तो इसको मैंने सिर्फ अपने हाथों पर ही चेक किया था। तो इसने मेरे हाथों पे इचिंग की थी। इसके अलावा ये अगर कोई किन किन लोगों को ये ब्लीच नहीं यूज़ करनी चाहिए तो मैं बता दूँ, जिसकी अगर सेंसिटिव स्किन है वो इसको ना यूज़ करें। इसके अलावा अगर कोई फार्मूला क्रीम्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उनको कोई भी ब्लीच नहीं यूज़ करनी चाहिए, ये क्या इवन कि उनको किसी भी टाइप की ब्लीच नहीं यूज़ करनी चाहिए। और अगर किसी की स्किन रेड हो जाती है उनको भी ब्लीच नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं, ये हेल्दी स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, इसको आप यूज़ करें। अगर दूसरे यूज़ करना चाह रहे हैं जिनकी सेंसिटिव स्किन है तो फिर उसका फार्मूला चेंज हो जाएगा। उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे, ये वैसे तो इसका एक हिस्सा ये एक्टिवेटर होता है, ठीक है, और दो हिस्से इनकी क्रीम ब्लीच होती है। इसको हम ओपन करते हैं तो ये इस तरह की अंदर से निकलती है, इसके ऊपर ये इस तरह की इनके अंदर से ये ब्लीच है, ठीक है, और ये काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ी हुई है, जस्ट मैंने इसको रिव्यू के लिए रखा हुआ है। तो ये आपने एक हिस्सा दो हिस्से आपने ये क्रीम ब्लीच लेनी है और एक हिस्सा आपने इसका पाउडर लेना है। इसको आपने ब्लीच में अच्छे से मिक्स करना है इन दोनों चीज़ों को, और आपने अपने फेस पर अप्लाई करना है। चीक्स का एरिया आपने छोड़ देना है और बाकी एरिया पर आपने इसको अच्छे से अप्लाई करना है। ये कैसा का रिजल्ट देती है आपके हाथों में, तो ये कुछ खास रिजल्ट नहीं देती, इवन कि मेरे हाथों को इसने ब्लैक कर दिया था, मुझे काफ़ी बुरा रिजल्ट मिला है इससे, ठीक है। तो अगर कोई यूज़ करना चाह रहा है या बाय करना चाह रहा है तो वो ना करे, किसी किसी को सूट करती है ये, लेकिन मोस्टली लोगों को नहीं करती। स्किन रेड हो जाती है और उसके बाद स्किन जल जाती है, ठीक है। तो जब भी आप ब्लीच यूज़ करें तो उसको सेफ तरीके से यूज़ करें, अपनी स्किन का ख्याल करें, आप गोरा होने के चक्कर में अपनी स्किन बर्बाद मत करें, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि फिलहाल ब्लीच यूज़ करो तो आपके फ्रैकल्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, ये इंटरनली प्रॉब्लम है और वो आपका ब्लीच वगैरह से सेट नहीं होगा, उसके लिए आपको डाइट लेनी पड़ेगी। डाइट से ही आप अपना जो प्रॉब्लम है स्किन का वो सेट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्रीम, कोई ब्लीच आपकी स्किन को जस्ट पील ही करेगी। होम मेडिकेटेड क्रीमें हैं जो आपकी स्किन को अच्छा रिजल्ट देती हैं, लेकिन लोकल क्रीमों की बात कर रही हूँ, वो आपकी स्किन को पील करेगी, आपकी स्किन की फ्रैकल्स वगैरह उनको नहीं रेज कर सकती, ठीक है। तो जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो ना यूज़ करें, ड्राई स्किन वाले भी ना यूज़ करें, इसके अलावा ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, एक्नी स्किन वाले ना यूज़ करें। और ओवरऑल अगर मैं इसको बाय करने की बात करूँ तो आप मत बाय करें, काफ़ी अच्छी नहीं है, सिर्फ 10-12% लोगों को ही सूट करती है, इसके अलावा बाकियों को कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं देती। वीडियो मेरी अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।